हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप देख रहे हैं एसएमएस इंडिया हब। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो है वो है कि आप अपनी खुद की एक एसएमएस कंपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ये मेरी टिप्स है फॉर 2019 फॉर द स्टार्टअप्स। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये किस तरह से होता है और क्या है एक्चुअली ये सब कुछ। तो बेसिकली एसएमएस कंपनी वो होती है जो मार्केट में एसएमएस सर्विस प्रोवाइड कराती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपने एटीएम से पैसे निकाले तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ गया, अगर आप कहीं पे कुछ परचेस कर रहे हैं तो ओटीपी आता है, अगर आप कहीं पे किसी मॉल में गए और वहाँ से कुछ परचेस किया, वहाँ पे आपने अपना नंबर दिया तो फिर वहाँ से कुछ प्रमोशनल अलर्ट आने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक एसएमएस के थ्रू ही होती है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है और बहुत चीपेस्ट टूल है इन टर्म्स ऑफ अदर मार्केटिंग टूल्स। तो एसएमएस कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर एसएमएस कंपनी का रीसेलर बनना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं एसएमएस रीसेलर प्रोग्राम। तो देखते हैं वो क्या होता है। तो ये मैंने एक स्लाइड बनाई है पूरी उसके ऊपर आपको दिखाने के लिए। तो दूसरी स्लाइड में मैंने लिखा है कि बल्क एसएमएस रीसेलर प्रोग्राम फीचर्स। इसके अंदर दिया हुआ है इंस्टेंट एक्टिवेशन ऑफ वाइट लेबल वेबसाइट विद नो सेटअप फी। मतलब इसका ये होता है कि आपका जो वेबसाइट बनेगा वो वाइट लेबल रहेगा, मतलब जो आपका एसएमएस का पैनल रहेगा ना वो वाइट लेबल रहेगा, उसमें कोई ब्रांडिंग नहीं रहेगी, सब कुछ आपका रहेगा, आपका लोगो रहेगा, आपका यूआरएल रहेगा। यूआरएल के लिए आपको एक सिर्फ डोमेन बुक करना है, वो सिर्फ 99 रुपीज़ का आता है अगर आप गोडेडी से लेते तो। नो लिमिट टू क्रिएट रीसेलर और यूजर अंडर योर अकाउंट। यस, मतलब इसका कहने का मतलब ये कि आप अपने अंडर में आप अनलिमिटेड रीसेलर और अनलिमिटेड यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने 100 लोगों को एक महीने में एसएमएस दिए हैं, 100 लोगों का अकाउंट बनाया तो बना सकते हैं, 200 लोगों का बनाना है बना सकते हैं, अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। एपीआई विथ योर ब्रांडिंग। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका यूज़ तब होता है जब आप किसी आईटी कंपनी या किसी ऐसी कंपनी से डील कर रहे हैं जिनका खुद का एक एप्लीकेशन है और एक और हो सकता है एक वेबसाइट है, और उनको एसएमएस का जो इंटीग्रेशन है वो उनकी वेबसाइट या एप्लीकेशन से करना है। जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल एक ई कॉमर्स वेबसाइट का लेता हूँ। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके पास एक लॉगिन डिटेल का मैसेज आता है, फिर अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो उसका एक मैसेज आता है, अगर आपने कुछ पेंडिंग छोड़ कर रखा तो उसका एक अलर्ट आता है, आपने पेमेंट कर दिया तो उसका एक अलर्ट आता है। तो ये एपीआई के यूआरएल के थ्रू ही होता है। तीसरा है टेक्निकल सपोर्ट एट एनी टाइम। अगर आप एक अच्छी कंपनी से रीसेलर अकाउंट लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है जिससे आपको दिक्कत नहीं होती, वरना आपके क्लाइंट्स को दिक्कत नहीं होती। रीसेलर बनने का एक और फायदा होता है कि आपको बहुत अच्छी प्राइस मिल जाती है अगर आप अच्छे वॉल्यूम पे एसएमएस परचेस करते हैं। तो ये ध्यान रहे कि अगर आप रीसेलर बनाए तो थोड़ा अच्छा वॉल्यूम परचेस करें, उससे आपको रेट में कम रेट मिलेगा और आपको मार्जिन ज़्यादा होगा। एक अच्छा ऑप्शन है, एक फीचर है कि सब डोमेन वेबसाइट। अब सब डोमेन वेबसाइट क्या होती है, जैसे कि एक आपने डोमेन है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल abcd.com और एक आपने एसएमएस का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो sms.abcd.com, ये आपका एक सब डोमेन रहेगा। इसके ऊपर आपकी 5 पेजेस की एक वेबसाइट मिल जाती है जिसमें कंट्रोल पैनल भी रहता है, जैसे कि होम, अबाउट, एक प्राइसिंग का पेज रहेगा, एक कॉन्टेक्ट का पेज रहेगा, तो उसमें आप अपनी सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर सब रीसेलर। अब अगर आपको लगता है कि आपके अंडर में कुछ सब रीसेलर भी क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट मैंने ऊपर कवर कर लिया था। तो इसके बाद एक फ्री डेटाबेस। अच्छा, कुछ एसएमएस कंपनी ये ऐसी होती हैं कि जो आपको फ्री में डेटाबेस देती है, जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप जैसे कि मुंबई से, मुंबई में अगर आपको कुछ डेटाबेस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है अगर आप उन कंपनी से बात करते हैं। अच्छा, अब एसएमएस कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यू कैन सेल फॉलोइंग प्रोडक्ट्स अंडर वन पैनल। तो एसएमएस इंडिया आपका जो पैनल है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं अंडर वन पैनल, जैसे कि ट्रांजेक्शनल प्रमोशनल एसएमएस, शॉर्ट कोड सर्विस, लॉन्ग कोड सर्विस, मिस्ड कॉल अलर्ट, वॉइस एसएमएस, आईवीआर, फ्री एक्सेल प्लगइन, बिजनेस ईमेल एंड एपीआई, इन सब पे भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम अगला एक मोटा मोटा मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि ट्रांजेक्शनल क्या होते हैं, प्रमोशन क्या होते हैं। तो उसके लिए मैंने है ना उनके कुछ फीचर्स सेपरेटली लिखे हुए हैं।
चलिए समझते हैं। अब पहले हम बात करेंगे प्रमोशनल एसएमएस की। प्रमोशनल एसएमएस कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग मार्केटिंग पर्पस। देखिए प्रमोशनल एसएमएस जो होते हैं सब मार्केटिंग के लिए भेज सकते हैं। अगर आपका कुछ सेल चल रहा है, ऑफर चल रहा है, कुछ डिस्काउंट है, तो आप इस टूल को यूज करिए। एक जैसे मैसेज लाखों लोगों को भेज सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं फाइल, 5-5-10 लाख नंबर की फाइल अपलोड करिए और भेज दीजिए। रिस्पॉन्स ऑसम है, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स आता है, तो वो जो अदर मीडिया है उससे तो काफ़ी अच्छा है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा पॉइंट है प्रमोशनल एसएमएस आर सेंड बिटवीन 9 to 9 PM ड्यू टू TRA गाइडलाइन। प्रमोशनल एसएमएस आप सुबह 9 से रात को 9 तक ही भेज सकते हैं। एसएमएस कैन नॉट बी सेंड ऑन DNA नंबर। यस, अगर किसी ने अपने नंबर पे डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट करवा के रखा है तो प्रमोशनल एसएमएस में नहीं जाएंगे एज पर द गाइडलाइन बाय द TRAI। इंस्टेंट रिफंड ऑन DNA नंबर। यस, देयर आर जिन जैसे कि हमारा पैनल है तो वी आर प्रोवाइडिंग इंस्टेंट DNA। अगर आपने कोई भी DNA नंबर पर एसएमएस भेजा है तो इनिशियल लेवल पे वो अकाउंटिंग पर्पज से वो एसएमएस कट जाएगा, बट इमीडिएटली आपके अकाउंट में रोल बैक हो जाएगा, मतलब रिफंड हो जाएगा। 6 कैरेक्टर सेंडर आईडी लाइक SMS हब और HDFC बैंक। अच्छा ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने ATM से पैसा निकाले तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है लाइक BM-HDFC BK या AD-ICICI B। तो ये शुरू में जो DM और जो या AM और ये जो होते हैं ये प्रीफिक्स होते हैं, जैसे कि AM मीनिंग एयरटेल मुंबई, तो ये प्रीफिक्स होते हैं। उसके बाद सेंडर आईडी उस कंपनी से बिलोंग करती है, जैसे HDFC बैंक मतलब HDFC बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंडर आईडी होती है, हमारी SMS हब है तो SMS हब होगी। अच्छा, डिलीवरी ओनली ऑन नॉन DNA। प्रमोशनल SMS जो होते हैं सिर्फ नॉन DNA नंबर पर जाते हैं। ऑटोमेटिक DNA फिल्टर होता है, तो उसको आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने 5 लाख लोगों का डेटा अपलोड कर दिया है तो अगर उसमें कुछ नंबर DNA उसका क्या होगा, नहीं, वो उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक DNA फिल्टर हो जाएगा। इसका एक और पॉइंट है रियल टाइम डिलीवरी रिपोर्ट मिलती है आपको, आप चेक कर सकते हैं कि कितने मैसेज डिलीवर हुए, कितने अनडिलीवर्ड हुए, क्या स्टेटस है। नो मंथली रेंट, नो सेटअप फी, नो इन्वेस्टमेंट। आपको सिंपली SMS का एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आपको सर्विस यूज करना है तो पे करना है। फ्री API जैसे हम कवर कर चुके हैं पहले स्लाइड में कि आपको API मिलती है जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के साथ, आपकी एप्लीकेशन के साथ, या आपके क्लाइंट इंटीग्रेट और कर सकते हैं वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। सॉरी अब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन वो होते हैं जो आप सिर्फ ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए ही यूज कर सकते हैं, किसी अदर मार्केटिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन SMS मैं आपको बोलूँ तो OTP आते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन आते हैं, बच्चों के अलर्ट, स्कूल के अलर्ट्स आते हैं, पेरेंट अलर्ट जिनको बोलते हैं वो आते हैं। तो कोई भी आपसे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है, कोई परचेज आप कर रहे हैं, कुछ चीज़ बुक कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस चीज़ को हम ट्रांजेक्शन SMS के थ्रू भेज सकते हैं। देन है अपना ट्रांजेक्शन SMS कैन बी सेंट एनी टाइम, लाइक आप ट्रांजेक्शन 24/7 भेज सकते हो, सुबह शाम रात जब आपको भेजना है, कोई बार नहीं है, जैसे यहाँ पे 9 AM to 9 PM है और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ये SMS जो होते हैं वो आप DNA नंबर पे भी भेज सकते हैं, पर DNA नंबर अगर है तो वो आपका रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, उसका ऑप्टिन प्रूफ होना चाहिए। इनकेस अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको आपको ऑपरेटर को उसका प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं ये हमारा रजिस्टर्ड क्लाइंट है। इसमें भी सेंडर आईडी मिलती है आपको लाइक SMS हब और अदर सेंडर आईडी, व्हाटएवर यू वांट। सेंडर आईडी ओनली 6 कैरेक्टर की होती है, इससे ना तो कम हो सकती है ना तो ज़्यादा हो सकती है, ओनली 6 कैरेक्टर सेंडर आईडी इज अलाउड। डिलीवरी ओनली ऑन DNA एंड नॉन DNA नंबर, मतलब दोनों नंबर पर जाता है। रियल टाइम डिलीवरी रिपोर्ट, नो मंथली चार्ज, नो सेटअप फी, नो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ जब जरूरत है बाय करो, यूज करो एंड फिनिश्ड। इसमें भी आपको API फ्री मिलती है। तो ये तो ये हुआ। इसके बाद एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैसेज लेंथ। अब ये मैसेज लेंथ क्या होती है, जैसे कि नॉर्मल स्टैंडर्ड GSM का जो कैरेक्टर सेट है, अगर आप इंग्लिश में कोई भी मैसेज टाइप करेंगे तो 160 कैरेक्टर का एक SMS होगा। अगर उससे ज़्यादा कैरेक्टर का है तो ये 306 कैरेक्टर में काउंट होगा, मतलब 2 SMS लगेंगे। अगर 459 कैरेक्टर तक जाता है तो 3 SMS, इस तरह बढ़ता जाता है। वैसे यूनिकोड SMS होता है। अब यूनिकोड SMS क्या होता है, यूनिकोड SMS में जैसे कोई भी मैसेज हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, मराठी, कन्नड़, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में जाता है इंडिया की, तो वो 70 कैरेक्टर का एक SMS होता है। अगर उसके ऊपर जाएगा तो फिर up to 134 characters ये 2 SMS में काउंट होता है और उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। उसकी मैंने टेबल यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। वेयर यू कैन यूज बल्क SMS सर्विस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी
आप अपने अंडर में रीसेलर बना रहे हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आप ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं, अगर किसी को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो यूज़ कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, अलर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज में, न्यू अनाउंसमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं, मास ब्लास्ट मार्केटिंग, जैसे कि अगर मास मार्केटिंग आप कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सेल्स फॉर ऑटोमेशन, लाइक अगर कोई ऑटोमेशन आप कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री वेयर एसएमएस सर्विस कैन बी यूज्ड, तो ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट करके दी हुई है, जैसे कि कॉलेज है, स्कूल, इलेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं, वेबसाइट, हेल्थ केयर, सिनेमा, ब्रोकर्स, कार रीसेलर्स, बहुत सारे, मोबाइल शॉप, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी इंडस्ट्री है जो आपकी सर्विस यूज करेंगी अगर आप उनको प्रॉपर समझाएंगे, प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे इसके फायदे। वॉट यू नीड टू स्टार्ट, वॉट यू एक्सैक्टली नीड टू डू टू स्टार्ट, तो सबसे पहले आपको फ्री साइनअप करना है हमारी वेबसाइट पे आके, वन डोमेन नेम रिक्वायर्ड है जो आपको परचेज करना है, एक लैपटॉप या कंप्यूटर के पास है, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे आपके क्लाइंट आपको पेमेंट करेंगे, एक पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे के लिए हमारे पास गाइडलाइंस है, मतलब गाइडेंस है, आपको फ्री में पेमेंट गेटवे मिल जाएगा जिसकी कोई चार्जेस नहीं है, उसके लिए आपको हमारी सेल्स टीम से बात करना होगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग करना होगी तभी आपके पास बिजनेस आएगा, डोर टू डोर आप कर सकते हैं, ऑफिस टू ऑफिस कर सकते हैं, B2B कर सकते हैं, B2C कर सकते हैं, आपको चूज करना है आप किस लेवल की मार्केटिंग आप करना चाहते हैं। नाउ हाउ टू गेट द कस्टमर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू गेट द कस्टमर फॉर योर बिजनेस इज नॉट अ इजी टास्क, बट नाउ इज एवरी बिजनेस मैन नीड इन एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग फॉर देयर बिजनेस, राइट, मतलब जो बिजनेस अभी कर रहे हैं या जो मार्केट में है उनको अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन तो करना ही है, उनकी मार्केटिंग तो करना ही है, तो ये आपको है ना उस तरह के कुछ लोगों को, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, आईटी इंडस्ट्री हो गई है, यहाँ पे आपको फोकस करना होगा, यहाँ पे इनिशियल लेवल पे आपको बिजनेस मिलेगा और आप स्केल अप कर सकते हैं। और भी टूल है जैसे कि आप जैसे डायल से डेटा निकाल सकते हैं उस पर कॉलिंग कर सकते हैं, या गूगल्स की आप डेटा निकाल सकते हैं उस पर कॉलिंग कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट, आपका जो प्रोडक्ट है उसको बताएंगे, उसके फीचर्स बताएंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ बिजनेस होगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मार्जिन, इफ यू सी द मार्केट एंड कॉम्पिटिटर यू कैन अर्न सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट, दिस अमाउंट माइट बी 30 to 50%, ठीक है, यहाँ पे एक नोट लगा है, एक नोट लिखा है कि मार्जिन कुड बी हाई बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट विच यू आर सेलिंग, जैसे कि अगर आप आईवीआर सेल करते हैं, आईवीआर क्या होता है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी को फोन लगाते हैं तो वेलकम टू abcd.com, फिर सेल्स के लिए एक दबाएं, दो दबाएं, तीन दबाएं, इस तरह से जो सर्विस होती है उसको आईवीआर बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट आपका मार्जिन भी अच्छा होगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, तो आई थिंक खत्म हो गया है, तो आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप हमारी वेबसाइट smsindiahub.in/bulk SMS reseller पर जा सकते हैं, यहाँ पे हमने सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट नाउ वी आर सेंडिंग पर डे 45 lakh SMS, देन वी हैव 61,000+ सेटिस्फैक्ट्री क्लाइंट अक्रॉस इंडिया प्लस इंटरनेशनल, वी हैव 1480+ रीसेलर फैमिली जो हमारी सर्विसेज को यूज़ कर रही हैं, सारे फीचर्स दिया हुआ है यहाँ पे। एक और चीज़ जो मैं इस वीडियो में कवर करना भूल गया था स्लाइड में, आपको आपके क्लाइंट्स के लिए वाइट लेबर ऐप मिलेगी, एंड्रॉयड ऐप, यस, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन टेल टू योर कस्टमर लाइक वी आर प्रोवाइडिंग एंड्रॉयड ऐप टू सेंड दी SMS। सेकेंड, वी आर 9 years ओल्ड कंपनी, वी आर वर्किंग सिंस आई थिंक 2008, राइट, सो वी हैव अ गुड एंड साउंड एक्सपीरियंस। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू, धन्यवाद।